नए कृषि कानून को लेकर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। वहीं शाजापुर के काला पीपल में कृषि कानून को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुनील देथल ने मीडिया से बातचीत कर कहा कि विदेशों में बैठे कुछ लोग जो भारत का भला नहीं चाहते, वही लोग दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। सुनील देथल का कहना है कि कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों को जनता के बीच जाने का अब कोई मुद्दा नहीं बचा, इसीलिए किसानों को गुमराह कर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। किसान कानून में जो सुधार हुए हैं उसको लेकर कुछ लोग से मतलब विदेशों में बैठे कुछ लोग जो भारत का भला नहीं चाहते, आतंकवाद से जुड़े कुछ लोग जो भारत का भला नहीं चाहते, कुछ लोग जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जिनको मार्केट में आने के लिए कोई मुद्दे नहीं मिल रहे हैं, वो लोग किसानों की आड़ में किसान बनकर इस आंदोलन को चला रहे हैं। जबकि कृषि कानून सुधार में ऐसे ऐसे सुधार हुए हैं जिनका आप कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है। मैं पिछले साल की आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि पिछले साल कुछ फर्जी व्यापारियों ने किसानों को काला पीपल और सुजालपुर क्षेत्र में 2 करोड़ का नुकसान दिया। व्यापारी बन के जाते, घर से प्याज लहसुन उठा लेते और उनका पैसा आज तक नहीं दिया। किसान परेशान होते, कहीं कोर्ट का चक्कर काटते, फर्जी चेक दे दे के किसानों को 2 करोड़ का नुकसान पहुँचाया। लेकिन इस सुधार में, कृषि कानून सुधार में जो सुधार हुआ है उसके तहत अगर कोई भी व्यापारी किसान से घर से माल उठा के लाएगा तो उसको 3 दिन के अंदर उसका पैसा देना पड़ेगा, और नहीं देगा तो सरकार उसको दिलवाएगी, उसको SDM साहब दिलवाएंगे, जो कोर्ट तय हुआ है कि SDM साहब को कोर्ट माना गया है उसमें, और वह कोर्ट किसान का पैसा 3 दिन के अंदर दिलवाएगी। तो इसमें क्या माने कि भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण स्तर पर पहुँचकर लोगों को इसके फायदे गिनाएगी? हम बता रहे हैं ना, हम किसानों को इसका फ़ायदा बता रहे हैं, तभी तो ये किसान सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं कि आप इसका दूसरा पहलू देखिए, भड़काव में मत आइए, इन फर्जियों के भड़काव में मत आइए। किसान को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, हम किसान ना भड़के इसलिए जगह जगह मध्य प्रदेश के अंदर किसान सम्मेलन कर रहे हैं। काला पीपल से संदीप गहलोत की रिपोर्ट।